भेड़ बकरियां समझा हुआ आवाम को पागल समझा हुए बेवकूफ समझा हुआ इसलिए मैंने शुरू में जैसे कहा था कि मुझे यकीन है कि इनको कोई गोली नहीं लगी इनको गम लगा हुआ है और वो लॉन्ग मार्च अब वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है क्योंकि वो बुरी तरह फ... फना हो गया है नाकाम हो गया है लोगों को इनके असल मकासद का पता चल गया है क्योंकि इनका क्या है इन्होंने तो एक दिन आके कहना है इट इज़ बिहाइंड मी एंड इट इज ओवर एंड दैट्स इट भेड़ बकरियां समझा हुआ है आवाम को पागल समझा हुआ है बेवकूफ समझा हुआ है इसलिए मैंने शुरू में जैसे कहा था कि मुझे यकीन है कि इनको कोई गोली नहीं लगी इनको गम लगा हुआ है और वो लॉन्ग मार्च अब वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है क्योंकि वो बुरी तरह फना हो गया है नाकाम हो गया है लोगों को इनके असल मकासद का पता चल गया है क्योंकि इनका क्या है इन्होंने तो एक दिन आके कहना है इट इज़ बिहाइंड मी एंड इट इज ओवर एंड दैट्स इट भेड़ बकरियां समझा हुआ है आवाम को पागल समझा हुए बेवकूफ समझावा है इसलिए मैंने शुरू में जैसे कहा था कि मुझे यकीन है कि इनको कोई गोली नहीं लगी इनको गम लगा हुआ है और वो लॉन्ग मार्च अब वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है क्योंकि वो बुरी तरह फना हो गया है नाकाम हो गया है लोगों को इनके असल मकासद का पता चल गया है क्योंकि इनका क्या है इन्होंने तो एक दिन आके कहना इट इज़ बिहाइंड मी एंड इट इज ओवर एंड इट